हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन एकेडमी। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग जेईई और नीट के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो भी स्टूडेंट्स जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 के लिए, है ना, जो कि 1-1.5 महीना अभी टाइम है, तो उसके लिए ये जो सीरीज है वो बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को यदि आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सब लोग इसको देख पाए। और अच्छा लगा वीडियो तो जरूर से जरूर लाइक करें। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही स्कोरिंग होता है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्क्स ले आ सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग उसको कवर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिजिकल और ऑर्गेनिक में एंटर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, दैट इज पीरियडिक टेबल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक है। तो यहाँ पे पीरियडिक प्रॉपर्टीज ही पढ़ना है जनरली इस चैप्टर में, और इसमें पहला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और भी होते हैं मेटेलिक करेक्टर, है ना, आयनिक करेक्टर, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से धीरे धीरे, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ओके, इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस का, है ना। एटॉमिक रेडियस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एटॉमिक रेडियस मीन्स ना रेडियस ऑफ एन एटम, मतलब मान लो कोई एटम है ना, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस और वैलेंस ऑर्बिट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें लास्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बीच जो भी डिस्टेंस है, जो भी लेंथ है, वही उसका क्या क्या लगा, एटॉमिक रेडियस। लाइक एक सर्किल में है ना रेडियस होता है, उसी तरह एटॉमिक रेडियस होता है। लेकिन इसका डेफिनेशन बहुत सारा टाइप्स का होता है एटॉमिक रेडियस, लेकिन उसमें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बात करें सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एटॉमिक रेडियस होता है क्या है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। ओके, यानी रेडियस ऑफ एन एटम। ओके, तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियस यदि हम लोग ट्रेंड्स का बात करें, ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड्स मीन्स वेरिएशन किधर वेरी करता है। तो हम लोग जब पीरियडिक टेबल में अप टू डाउन जाएंगे, है ना, अप टू डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो ऑफ कोर्स एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और सिमिलरली जब हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियडिक टेबल में, कहाँ पे जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग पीरियडिक टेबल में, तो ये जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो खैर हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिंपली याद रखना है थोड़ी देर के लिए क्या, कि अप टू डाउन जाने से साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लेफ्ट राइट जाने से साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अप टू डाउन जाने से क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, लेफ्ट राइट जाने से साइज डिक्रीज होगा। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप का हम लोग बात करते हैं, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। तो चलिए बताओ कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड्स क्या, कौन सबसे बड़ा होगा, तो ऑफकोर्स लिथियम जो है फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरीके से। तो जैसे जैसे अप टू डाउन जाएंगे, ये डाउन है ना जाने से रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी सबसे छोटा कौन होगा, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, इस तरह, ठीक है। ये हो गया इसका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक साइज का रेडियस ऑर्डर हो गया ये, ठीक है। सिमिलरली यदि हम लोग है ना लेफ्ट राइट जाते हैं, लेफ्ट राइट जैसे है ना, लेफ्ट राइट में यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कार्बन, ओके, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, ओके, फ्लोरीन, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन है ना, लेफ्ट कार्बन के एटॉमिक 6, 7, 8, 9 इस तरीके से बोलेगा, बताओ। या इधर बोरन है ना, बोरन ले लिए 5, ठीक है, बेरिलियम 4, लिथियम 3, ठीक है, इस तरीके से। अब बोलेंगे बताओ इसका साइज का ऑर्डर बताओ, है ना, तो क्या होगा, लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट राइट जाने से साइज क्या होता है, लेफ्ट राइट जाने से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, तो डिक्रीज होगा मीन सबसे ज्यादा साइज ऐसा होगा लिथियम, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है जो कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए,
है ना, ग्रुप 13 एलिमेंट्स क्या होते हैं, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसा होना चाहिए, अप टू डाउन जाएंगे तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना, दैट इज बोरन का सबसे छोटा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इस तरीके से, लेकिन ये जो है गलत है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये बार बार बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये सही करेक्ट है, सिर्फ गैलियम और एल्यूमिनियम एक दूसरे से क्या करेगा, रिप्लेस कर लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो है ना, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू डी ब्लॉक कंट्रैक्शन। ठीक है, डी ब्लॉक कंट्रैक्शन की वजह से होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिंपली याद रखना है कि जो है गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में ड्यू टू डी ब्लॉक कंट्रैक्शन। डी ब्लॉक कंट्रैक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, फिलहाल अभी याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेप्शन इसलिए बोल सकते हैं, याद रखना है, इसलिए एक्सेप्शन बोल देना है। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्शन बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या है, ना समझो रेडियस ऑफ एन आयन, आयन का जो रेडियस होगा, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, है ना, सोडियम कैटेगरी में होता है 11, कन्फर्मेशन करेंगे तो 281। ओके, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8, और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या हो सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, और ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सपोज आयन, इसको इसको आयन बनाना, ये तो न्यूट्रल है, आयन बनाना मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल जाएगा तो Na जो है क्या बन जाएगा, प्लस, तो Na प्लस अब यहाँ पे क्या बन गया, आयन बन गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये निकल गया इसमें। तो ये जो आयन बना, इसका रेडियस अब क्या होगा, घट गया होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 और 8, है ना, मतलब एक ऑर्बिट ही कम हो गया, इस तरह बोल सकते हो। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट, 2 ही ऑर्बिट बचा इसके पास जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका साइज क्या हो गया होगा, घट गया होगा। ओके, तो याद रखना है, है ना, यहाँ पे क्या है ट्रिक, क्या कि कैटायन का जो साइज है वो हमेशा छोटा होगा पेरेंट एटम से। ठीक है, पेरेंट एटम से कैटायन का जो साइज है वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। उसी तरह एन आयन का बोलेंगे तो जस्ट उल्टा होगा, एन आयन का साइज जो है बड़ा होगा पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम मीन्स जिससे मिलके बना है। ठीक है, जैसे Na प्लस जो आयन है ये कैटायन हो गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको कैटायन बोलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एनायन बोलेंगे। तो कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है पेरेंट, मतलब इससे जिससे बना हुआ है, और एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है उसके पेरेंट एटम से। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं Cl- और Cl, ओके, इन दोनों में कौन बड़ा होगा बताओ। तो ऑफ कोर्स एनायन नेगेटिव चार्ज वाला जो अपने एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली Mg और Mg डबल प्लस, है ना, इसमें कौन बड़ा होगा, तो कैटायन का साइज छोटा होता है पेरेंट एटम से, तो कैटायन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो ये बड़ा हो गया। ओके, इस तरीके से हम लोग, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से ये याद रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिक याद रखना है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई जो है, तो यहाँ पे ट्रिक है, आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, हम लोग जानते हैं कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, कैटायन जैसे होता है तो उसका साइज क्या होता है, घट जाता है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना उसका साइज क्या होगा, घट जाएगा, और जितना ज्यादा एनायन में चार्ज होगा उतना ज्यादा वो बढ़ जाएगा। तो अभी देखेंगे तो, है ना, ये कैटायन हो गया, इस पर ज्यादा चार्ज है, 2 चार्ज है, इसमें 1 चार्ज है, इसमें 1 भी चार्ज नहीं है। तो सर, तो ये, है ना, ये जो है वो किसके लिए होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम जिसका एटम 20 है, 2 प्लस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतना कम इसका रेडियस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटायन पे 2 चार्ज है, तो इसका रेडियस क्या होगा, सबसे कम, उसके बाद ये, फिर ये, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है यही सबसे करेक्ट ऑर्डर है पहला वाला। यहाँ पे देख सकते हैं ये साइज में बड़ा हो गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इसका, ए नंबर होगा। ओके ओके, तो फिर से एक उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पे बेस्ड है ना, इसका जो है आयनिक रेडिया चेक करना है, तो पहले इसको खुद से एक बार ट्राई करें, फिर इसको इसका सॉल्यूशन देखें। ओके,
अगर हम है ना इसका सोल्यूशन बता रहे हैं, हो सकता है आप लोग बना लिए होंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज सी ए डबल प्लस के प्लस। तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ऑर्डर देखना है। तो अभी देखे थे कि जो है कैटायन का साइज है ना, कैटायन का साइज का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आयनिक रेडियस जो है कैटायन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एनायन, एनायन में जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कैटायन पे जो चार्ज है ना, उस जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका साइज होगा। सबसे पहले हम लोग एनायन ढूंढते हैं, जहां एनायन मिल जाएगा उसका चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। एनायन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर एनायन है, तो ऑफकोर्स सल्फर का जो साइज है सबसे ज्यादा होगा, कि एस दो पे जो दो चार्ज है ना एस पे, और सीएल में एक चार्ज है, तो इस पे जो है इसके बाद ये कहानी आएगा, क्योंकि एनायन पे जितना चार्ज रहेगा उतना ज्यादा उसका आयनिक रेडियस होगा। ओके, उसके बाद फिर कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कम होगा, तो कैटायन वाला को पीछे से चलेंगे है ना, तो कैटायन में सबसे ज्यादा चार्ज कितना है, किसका है, सी ए डबल प्लस का, तो इसका चार्ज सबसे, इसका साइज सबसे कम होगा। ओके, और फिर जो है बच गया कौन, पोटेशियम। ओके, इस तरीके से ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। ओके, हम यहाँ पे बोल सकते कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप का है। इसमें जो नीट और जेई में जो है भर भर के इस टाइप क्वेश्चन आता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो पहले इसको अटेम्प्ट करें, फिर मैं बताता हूँ। ओके, तो फिर आप लोग बना लिए हो सकता है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज, इसमें से जो है आयोडीन स्पीसीज का साइज किसमें ज्यादा होगा। अभी हम लोग देखे थे जो कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है, एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है, सिर्फ यहाँ पे आयोडीन है, तो एनायन जैसे ही बोलेंगे तो ये आयोडीन पे माइनस, इसका साइज सबसे बड़ा होने वाला है इस हिसाब से। ठीक है, और कैटायन का जो साइज है वो सबसे छोटा होने वाला है। ओके, और न्यूट्रल वाला कहाँ आ जाएगा, न्यूट्रल वाला बीच में है। क्यों, हम जानते हैं जो कैटायन का साइज है वो पेरेंट एटम से क्या होता था, हाँ छोटा होता था, तो ये छोटा होगा। ठीक है, ये और एनायन का साइज जो पेरेंट एटम से क्या होता था, बड़ा होता था, तो इस तरीके से ये इसका ऑर्डर होगा, दैट इज एनायन वाला सबसे ज्यादा बड़ा और कैटायन वाला सबसे छोटा, सबसे ज्यादा छोटा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी नंबर। ओके, आई होप आप लोग बना लिए होंगे इसको। ओके ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको पहले अटेम्प्ट करें फिर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट साइज, इसमें से कौन जो है सबसे छोटा साइज में है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे सब जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, एल्यूमिनियम कैटायन 13 और 3 प्लस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी 10, क्योंकि फ्लोरिन का 9 एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज छोटा पूछा है, छोटा साइज है तो कैटायन वाला होगा, और सबसे ज्यादा चार्ज कैटायन पे होगा उतना कम साइज होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैट है ना साइज कहाँ पे, सबसे कम साइज क्या होगा, जहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके, इसी तरह यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस यहाँ बहुत सारा अलग अलग टाइप क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो है ना कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या पहला ऑप्शन सही हो सकता है क्या, देखते हैं। ये माइनस वाला एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है, वेरी गुड, ये सही है, लेकिन कैटायन से कैटायन का साइज छोटा होता है एच प्लस, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाला यहाँ हो सकता था, कैटायन वाला नीचे होना चाहिए था, ये गलत हो गया। सिमिलरली कैटायन का साइज जो है वो है ना यहाँ पे एफ माइनस होगा। ठीक है, कैटायन का साइज यहाँ पे बड़ा हो गया जो गलत है, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ये दोनों एनायन है, साइज तो बड़ा होना चाहिए लेकिन ज्यादा चार्ज वाला का साइज बड़ा होना चाहिए, इस पे जो है कम चार्ज है, मतलब ये भी गलत होगा। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं है ना, यहाँ पे देखें एल ट्रिपल प्लस साइज जो है बड़ा है, 3 प्लस तो सबसे छोटा साइज होगा। ठीक है, और उसके बाद ये फिर ये यहाँ पर ऑर्डर उल्टा है, इसके अंदर ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये एक बार नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।